ये देखिए 5 अंडे आपको देखने को मिले और इसके बाद ये भी खाली है, ये आपको 5 अंडे देखने को मिल रहे होंगे। और इसमें भी आपको 5 अंडे देखने को मिल रहे होंगे। इसकी चौड़ाई जो है मॉर्निंग फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक से होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश पेट्स में सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यार 2 महीने बाद आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि कोई भी ब्रीड नहीं थी, कोई भी अच्छी प्रोसेसिंग नहीं थी, तो लेकिन मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि गर्मियों में ब्रीड कैसे ली जाती है। मैं अपनी कॉलोनी में खुद अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, इतनी अच्छी ब्रीड आपको दिखाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने कॉलोनी की तरफ। तो ये देखिए सुबह सुबह का वक्त है और सूरज भी निकल गया है, यहाँ का नज़ारा इतना ज़्यादा अच्छा। और चलते हैं अपने कॉलोनी में। तो फिर आ गए हैं अपनी कॉलोनी में और आपको रैबिट की भी ब्रीड दिखाएंगे, रैबिट के बच्चे दिखाएंगे। और देखिए इतने कंपेयर में इतने ज़्यादा अंडे कि आपका दिल खुश हो जाएगा एकदम से, मैं सच बता रहा हूँ। तो अब मैं बताऊँगा कि आज अब इतने ज़्यादा अंडे आप कैसे ला सकते हैं अपनी कॉलोनी में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, ताकि ऐसी वीडियो अच्छे अच्छे आपके पास आती रहें। तो चलिए फर्स्ट मटकी से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मटकी में अभी कुछ नहीं है, इसके बाद सेकंड मटकी में ये देखिए 5 अंडे आपको देखने को मिल गए होंगे। और इसके बाद ये भी खाली है, इसके बाद इसमें भी आपको 5 अंडे देखने को मिल रहे होंगे। और इसमें भी आपको 5 अंडे देखने को मिल रहे होंगे, ये भी खाली है, ये भी खाली है। और ये इसमें 2 अंडे या 3 अंडे, 3 अंडे देखने मिल जाएंगे आपको। और ये खाली है, इसमें 4 अंडे हैं, मैं इसको हाथ से अपने गिना हुआ था इसमें। और ये देखिए इसमें लाजवाब ब्रीडिंग हुई है, 6 अंडे इसमें फीमेल ने दे रखे हैं। और ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। और ये लास्ट में मेरा फोन नहीं जा रहा वहां तक, इसमें 2 अंडे देखने मिल जाएंगे आपको। और ये भी खाली है। और मैं जो नीचे पेयर लगाया हुआ था, ये देखिए जो मैं फर्स्ट टाइम लेकर आया था, इन्होंने जो अंडे दिए हुए हैं और इसके भी 5 अंडे हैं, ये देखिए आप, ये 5 अंडे हैं इसमें। तो फिर टोटल इसमें आ गए हैं करीब मेरे पास 34 अंडे टोटल, जो मैं पूरा काउंट कर रहा हूँ इसमें। और जो लोग कहते हैं कि गर्मियों में ब्रीड नहीं ली जाती है, तो गर्मियों में आपने खुद रिजल्ट देखा है, ये जुलाई का मंथ चल रहा है, कोई भी मट्टी प्रोवाइड नहीं करा होगा, जो भी मतलब बर्ड्स लवर हैं उन लोगों ने अभी तक कोई भी मट्टी प्रोवाइड नहीं करी होगी। लेकिन मैंने प्रोवाइड कर दी थी क्योंकि ये कॉलोनी मैंने अभी जल्दी में बनवाई थी, तो मैं बस चेक करने के लिए मट्टियाँ लगाया था और बहुत अच्छी ब्रीड स्टार्ट हो गई है। तो मैं इनको क्या देता हूँ खाने में, बाजरा देता हूँ और जौ मिक्स देता हूँ। मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए ये बाजरा और जौ मिक्स दिया हूँ। और दवा में इनको मैं देता हूँ, दवा में पेट केयर करके एक हर्बल आता है उसको मैं देता हूँ, और पानी में मिला कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पानी, ये देखिए मेरा खरगोश, ये फीमेल है, इसने बच्चे दे रखे हैं, तो ये मेल है और बच्चे इनके देखिए, ये देखिए बच्चे इनके। अगर किसी भाई को चाहिए होगा तो मेरे कमेंट में मैसेज कर देगा और इंस्टा पे भी बात हो जाएगी उससे। इसकी हेल्थ देखिए, कलर देखिए, रेड आइस के बच्चे निकले हुए हैं, ये देखिए रेड आइस के, बहुत
बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे बच्चे, और हेल्थ में भी देख लीजिए इतने ज्यादा अच्छे हैं। अगर किसी भाई को चाहिए होगा तो मेरे कमेंट में मैसेज कर देगा या फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर देगा, मैं उसको दे दूंगा। ये देखिए, ये अभी सुबह का वक्त है, इस वजह से सो रहे हैं, बाकी एक्टिव कितने ज्यादा हैं ये देखिए। और ये रही मेरी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कॉलोनी। अभी इसमें अंडे आएंगे क्योंकि सभी ने जोड़े लगा लिए हैं। आपको दूर से दिखाता हूँ मैं, ये देखिए सभी पेयर ने जोड़े लगा लिए हैं, अपनी अपनी मच्छी पे बैठे हैं। बस अंडे अभी 34 अंडे आए हुए हैं टोटल। और कलर भी देख लीजिए, मेरे पास हर एक कलर, मतलब कि एक जैसा कलर कोई नहीं है, बस मिक्स कलर है। और बाकी वो जो स्पेंगल का मैंने अंदर रखा हुआ है, इसके बच्चे भी बहुत अच्छे आएंगे, इस वजह से मैंने उसको अलग कर दिया है। और ये शायद खरगोश अपने बच्चों को दूध पिलाने जा रही थी, ये देखिए। तो आप लोगों ने तो ब्रीडिंग और रैबिट देख लिया होगा, तो चलते हैं कॉलोनी के बाहर और बताते हैं आपको कितनी अच्छी ब्रीड आप कैसे ले सकते हैं। जो भोपाली बर्ड्स लवर हैं या बीकानेर बर्ड्स लवर हैं, इन लोग के मुताबिक मेरे पास जितने कम पेयर हैं उससे तो अच्छे ब्रीडिंग हो गई है मेरे यहाँ पे। बस बच्चे आने की देरी है, इतने ज्यादा अगर बच्चे आ जाएंगे तो पूरी कॉलोनी एकदम भरी भरी सी हो जाएगी। अभी तो मेरे पास 15 पेयर हैं बस, जिसमें से 9 ने तो ब्रीड कर दिया है, बस 6 बाकी हैं 6 ब्रीड करने के लिए, वो भी लगे हुए हैं। बहुत ही जल्द वो लोग भी अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे, तो उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि आप इनको मतलब मच्छियाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि बारिश से एक दो दिन में एक बार तो हो जा रही है, हवा में नमी भी हो जा रही है, तो इससे क्या होता है कि अंडे जाया नहीं होते, अंडे खराब नहीं होते इससे। तो चलिए बाहर चलते हैं और बाहर से अपनी कॉलोनी आप लोगों को दिखाते हैं। आ गए हैं बाहर, कॉलोनी के साइज देखिए आप लोग, 11 फीट में ये है पूरा, यहाँ से वहाँ तक इसकी लंबाई जो है 11 फीट में है। और ये जो है इसकी चौड़ाई जो है मेरे ख्याल से 6 या 7 फीट में है। ये देखिए इतनी बड़ी सी कॉलोनी मेरी। तो आपने ब्रीडिंग प्रोग्रेस तो देख ही ली, तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैं इनको सिर्फ और सिर्फ कंगनी दाना और जौ और थोड़ा सा सूरजमुखी का बीज, मैं मिक्स सीड इनका बना के देता हूँ, जिससे ये लोग अगर हीट पे आ जाते हैं तो ब्रीडिंग जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। और दवा मैं कौन सी देता हूँ, दवा ये रही, सिर्फ अभी तक एक दवा दे रहा हूँ, इसका नाम है बर्ड्स केयर हर्बल प्लस, ये देखें। और मैं इसके लिए विमराल मंगाने वाला हूँ, क्योंकि बरसात चालू हो गई, इन लोग के बहुत सी दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो विमराल भी दवा ले लेनी चाहिए। मैं इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ अभी थोड़ा देर में, वो भी जल्द ही आ जाएगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत दिन बाद आज 2 महीने बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रीडिंग अच्छी हो रही थी, सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अब मैं हर हफ्ते या हर तीसरे दिन वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।